Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you geography. Class 6, Chapter 1 The Earth in the Solar System. Planets There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लेनेट्स इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स सन से उनकी दूरी के अकॉर्डिंग प्लेनेट्स के नेम याद रखने का ईजी तरीका है ये ये सेंटेंस याद कर लीजिए माई वेरी एफिशेंट मदर जस्ट सर्वड अस नर्ट्स माई से मरकरी वेरी से वीनस एफिशंट से अर्थ मदर से मार्स जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटन, अस से यूरेनस और नट्स से नेपच्यून बस आपको ये सेंटेंस याद रखना है फिर देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे एट प्लेनेट्स के नेम अकॉर्डिंग टू तो डिस्टेंस ऑल द एट प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। सोलर सिस्टम के एट प्लेनेट्स एक निश्चित पथ पर सन के चक्कर लगाते हैं ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं मर्करी प्लेनेट सन के सबसे नियरेस्ट है सन का एक चक्कर लगाने में इसे 88 डेज लगते हैं मीन्स 88 डेज में ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है वीनस को अर्थ का ट्विंस कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग सिमिलर है अभी तक अगस्त 2006 प्लूटो भी एक प्लेनेट माना जाता था परंतु इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अदर सेलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स सिरस और यूबी और प्लूटो डॉफ्ट प्लेनेट्स कहे जा सकते हैं द अर्थ द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट सन से दूरी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ थर्ड प्लेनेट है और साइड में यह फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है यह है पोल्स के पास थोड़ी चपटी है यही रीज़न है कि इसकी शेप को ज्योड कहा जाता है ज्योड मीन्स पृथ्वी के समान आकार कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है क्योंकि अर्थ न ही ज़्यादा हॉट है और न ही ज्यादा कोल्ड यहाँ पर वाटर और एयर भी है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है हवा में लाइफ के लिए आवश्यक गैसेज भी मौजूद हैं जैसे ऑक्सीजन इन्हीं रीजंस से अर्थ सोलर सिस्टम का यूनिक प्लेनेट कहलाता है यदि हम अपनी अर्थ को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह है ब्लू कलर की दिखाई देती हैं क्योंकि इसका टू थर्ड सरफेस वाटर से कवर है इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है डी नो स्टूडेंट्स सेलेस्टियल बॉडीज और उसके मूवमेंट की स्टडी करने वालों को एस्ट्रोनोमर्स कहा जाता है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक फेमस एस्ट्रोनोमर हैं आज भी एस्ट्रोनोमर्स यूनिवर्स के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं द मून आवर अर्थ हैज ओनली वन सेटेलाइट दैट इज द मून इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ हमारी अर्थ के पास केवल एक सेटेलाइट है मून इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का केवल एक चौथाई ही है यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य सेलेस्टल बॉडीज की अपेक्षा नियरेस्ट है यह हमसे लगभग थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर दूर है अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं मून अर्थ का एक चक्कर लगभग ट्वेंटी सेवन डेज में पूरा करता है लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है एज अ रिजल्ट अर्थ से हमें मून की ओनली वन साइड ही दिखती है द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ इट हैज़ ना इधर वॉटर नॉर एयर मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर न तो वॉटर है और न ही एयर है यहाँ पर माउंटेंस प्लेन्स और गड्ढे हैं जो मून के सरफेस पर शेडोज़ बनाते हैं पूर्णिमा मीन्स फुल मून के दिन इनकी शेडोज़ को देखा जा सकता है डी यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट थ्री लैख किलोमीटर पर सेकेंड येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट एट मिनट्स टू रीच द अर्थ लाइट की स्पीड लगभग थ्री लैख किलोमीटर पर सेकेंड होती है फिर भी सन की लाइट को अर्थ पर पहुँचने में एट मिनट लगते हैं एस्टेरॉयट्स अपार्ट फ्राम द स्टार्स प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स देर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन स्टार्स प्लेनेट्स और सेटेलाइट्स के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इन्हें एस्टेरॉयट्स कहा जाता है ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच पाए जाते हैं फिगर 1.2 के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने एस्टेरॉइट्स को प्लेनेट का ही पार्ट कहा है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे मिटीरोड्स द स्मॉल पीसेज ऑफ़ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मिटीरोइड्स सन के चारों ओर मूव करने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को मिटीरोड्स कहा जाता है ये मिटीरोइड्स कभी कभी अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं कि अर्थ पर गिर भी सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान एयर के साथ फ्रैक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं इससे एक चमकदार लाइट दिखती है कभी कभी कोई मिटी ओर पूरी तरह जले बिना अर्थ पर भी गिर जाते हैं जिससे अर्थ पर गड्ढा बन जाता है लुक एट द लास्ट पैरा डी यू सी आ वाइट इस लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई अ क्लियर स्टारी नाइट क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है यह मिलियन ऑफ स्टार्स का ग्रुप है इसे मिल्की वे गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा कहा जाता है फिगर वन पॉइंट सिक्स को देखिए हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में लाइट की एक बहती नदी से की गई थी इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों और गैसों का एक सिस्टम है इस तरह की लाखों गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं यह कल्पना करना भी डिफ़िकल्ट होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन एकत्र करते रहते हैं इसके साइज़ की कोई निश्चित इन्फॉर्मेशन नहीं है बट फिर भी हम यह तो जानते ही हैं कि हम इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट नील आर्मस्टोंग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था अ सेटेलाइट इज अ सेलेलिस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेट्स इन द सेम वे एज द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन सेटेलाइट एक सेलिस्टल बॉडी है जो प्लेन के चारों ओर मूव करती रहती है जिस प्रकार प्लेनेट्स सन के चारों ओर मूव करते हैं ह्यूमन मेड सेटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी इट इज़ डिज़ाइन बाई साइंटिस्ट टूगैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन ये वो होती है जो मानव द्वारा बनाई जाती है यह साइंटिस्ट द्वारा बनाई जाती है जिसका यूज यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और अर्थ की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसेट आई आर एस एडुसेट एक्सेट्रा So, students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.